जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, ठीक उसी के हिसाब से लोगों को सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है। जी हाँ, सर्दी जुखाम की समस्या होने पर गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बुखार भी हो जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि गले में इन्फेक्शन होने पर गले में तेज दर्द होता है, जिसके कारण कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप गले में इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है तो एक गिलास गर्म पानी में लौंग और काली मिर्च को पाउडर मिलाकर पिएं। ऐसा करने से आपके गले के इन्फेक्शन से आराम मिल जाएगा। नंबर दो, गले में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए चाय में तेज पत्ते को डालकर उबाले और अब इसे पी लें। ऐसा करने से 2 से 3 दिन में ही गले का इन्फेक्शन सही हो जाएगा। नंबर तीन, एक गिलास पानी में थोड़े से मेथी के दानों को डालकर उबाल लें। अब इस पानी को छानकर गरारे करें। ऐसा करने से एक तो गले का दर्द खत्म हो जाएगा और साथ ही इन्फेक्शन की समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।